मेरे को नाइट आउट्स करने होते हैं, जैसे लड़के गेड़े मारते रहते हैं, मेरे को चाहिए लड़कियाँ भी मार सके लाइक बहुत आराम से. सो मेरे को नाइट आउट्स के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए. मैं जैसे चाहूँ जो चाहूँ अपने मर्जी से कर सकूँ. आई वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस 75% अटेंडेंस. राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में क्या डिफरेंस है? पास. राष्ट्रपति का राष्ट्रपिता और पति का राष्ट्र गीत है सर. आई थिंक जनगण मन अधिनायक और राष्ट्रगान है आई थिंक वंदे मातरम. राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, मोदी हो गए. आई वुड लाइक टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम माई ओन पास्ट. आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है. जो कलकत्ता के फुटपाथों पे आंधी तूफान सहते हैं उनसे ज़रा जाके पूछो कि वो आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं. इंडिपेंडेंस आज़ादी. As the country is set to celebrate the 77th Independence Day, I wanted to know as to what the youngsters, the youth of the country thinks about independence and what does independence mean to them. Let's find out. Well, what does independence mean to you? See, like independence is basically azadi. तो सबसे ज़्यादा कैद मेरे को घर पे रहने में रात को फील होता है. मेरे को नाइट आउट्स करने होते हैं, जैसे लड़के गेड़े मारते रहते हैं, मेरे को चाहिए लड़कियाँ भी मार सके लाइक बहुत आराम से. सो मेरे को नाइट आउट्स के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए. मैं जैसे चाहूँ जो चाहूँ अपने मर्जी से कर सकूँ. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब दिस इज गोइंग टू वर्ड्स लाइक क्लोदिंग, कि मतलब मैं ऐसे नहीं पहन सकते वैसे नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे. सो व्हाई डज इट मैटर? आई ड्रेस बिकॉज आई वांट टू फील प्रिटी. आई वांट टू फील यू नो कि हाँ इसने कुछ पहना है. आई वांट टू लुक गुड फॉर माई सेल्फ. अरे ऐसे नहीं नहीं ये नहीं पहना वो नहीं पहना. इवन दिस, सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि नहीं ये टॉप क्यों छोटा है, ये ऐसा क्यों हुआ. सो आई नीड दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई जो करना है तुम करो. You don't have to think about what anyone else thinks about you. I want independence from this 75% attendance because it's very problematic. Okay, so what does independence mean to you? इंडिपेंडेंस फॉर मी ये है कि आपको किसी और के हिसाब से चलना ना पड़े. कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसे कोई मतलब नहीं आपको उससे. ठीक है, आप अपने ऊपर हो कि आपकी सोच ये है, आपको अपने हिसाब से चलना है, बस बात खत्म है. आप उस वे में इंडिपेंडेंट हो, कोई आपके बारे में जो भी सोचे, फालतू के कमेंट्स करे, वो सब नहीं होना चाहिए. आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है. जो कलकत्ता के फुटपाथों पर आंधी तूफान सहते हैं उनसे ज़रा जाके पूछो कि वो आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं. तो ये मेरे देश के ऊपर पर्सपेक्टिव है. यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें हम पे डिपेंडेंट होकर ऐसे जीना पड़ता है. तो मेरे को बस ये देख के लगता है कि हम अगर आज़ादी हमारे 15 अगस्त में आई है तो वो सबके माइंड में आनी चाहिए और हर इंडिविजुअल के पास एक ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि उसको किसी पे डिपेंड ना हो और उसे कोई जज ना करे. चाहे उसके कोई से भी व्यूज़ हो, चाहे उसका कोई सा भी जेंडर हो, चाहे उसका कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे उससे कोई सा भी कोर्स कराओ, उसको कोई जजमेंटल तरीके से ना देखे. और उसको हमारे जो देश में एक क्रिएटिव थिंकिंग नाम की चीज़ है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, इस पर ज़्यादा फोकस हो. तो मेरा आज़ादी के यही पर्सपेक्टिव है. आज़ादी हर उस सोच से जो हमें रोकती हो. और बेसिकली हमें ये चाहिए कि हमें, हम यंग जनरेशन है, हमें किसी भी चीज़ के लिए रोका ना जाए. हमें हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि हम आगे चल के आगे बढ़ने की और आगे इस देश को बढ़ा सके. विदाउट इवन आस्किंग, यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन लाइक शुड आई डू दिस और डू दैट. इट्स जस्ट दैट इफ यू आर एबल टू डू दैट, जस्ट डू दैट. दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस मीन फॉर मी एंड आई थिंक फॉर वीमेंस एज वेल. हमारे बारे में कोई भी क्या सोच रहा है, क्या कमेंट्स पास कर रहा है, हमें उससे फ़र्क ना पड़े और हम अपने मन से दिल से कुछ भी कर सके बिना किसी डर के या बिना किसी सेकंड थॉट के कि हमें करना चाहिए या नहीं. सो दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंस इज फॉर मी. ओके, सो व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू गाइस? टू बी वन सेल्फ, टू नॉट बी यू नो आंसरेबल टू एनीवन एल्स, टू डू थिंग्स दैट आई नीड टू डू दैट मेक मी हैप्पी विदाउट द हिंडरेंस ऑफ एनीथिंग एल्स. दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंस मीन टू मी. बीइंग केपेबल ऑफ आवरसेल्फ, एबल टू प्रोवाइड फॉर आवरसेल्फ, बीइंग हैप्पी विद व्हाट वी हैव. एंड देन I mean, it has been almost like more than 100 years we have been, I mean, almost nearing 70 to 80 years we have been having the independence. And like nationwide, I mean, we are celebrating this day as a, I mean, we are portraying the, how we were capable of helping ourselves on the times of need. And then, I mean, we had been struggling and we are a developing nation. So surely, in one day in the future, we'll all be happy with what we have. I don't have any fear के भाई मुझे 100 लोग आके ये कह देंगे या मुझे किससे डरना है कि भाई कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा. I am free to help others. That is what independence means. Azadi is like being myself and representing myself as an Indian and being myself basically.
फ्रॉम द जजमेंट दैट पीपल गिव अस, लाइक ये लंबी है, ये छोटी है, ये पतली है, ये मोटी है, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ कमेंट्स. आई वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दीज थिंग्स. आई वुड लाइक टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम माई ओन पास्ट. तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम्हें सोचना पड़ता है कि भाई इस एरिया में जा रहे हैं लोग इस टाइप के होंगे, ये सोचेंगे, ये पहन के जा रहे हैं, फालतू में बातें तो नहीं बनाएंगे. तो उस चीज़ से कि हाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है, बस बात खत्म. उस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए कि लड़कों को तो नहीं सोचना पड़ता ना. द गर्ल्स कैन वेयर एनी थिंग वट दे वॉन्ट, लाइक द गर्ल्स स्टिल हैव टू थिंक बिफोर वेयरिंग एनी थिंग और समथिंग. लाइक अगर वो बाहर जा रही है तो उन्हें सोच के जाना पड़ता है कि हम कैसे एरिया में जा रहे हैं, हमारे कपड़े उस हिसाब से होने चाहिए. तो उनको एक होना चाहिए कि वो कुछ भी पहन के बाहर जा सके अपने मन से, बिना ये देखे कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे. तो दैट्स मनी मनी. यू थिंक वी शुड गेट रिड ऑफ मनी. शुड बी एन इंजीनियर इफ यू आर अ बॉय, यू शुड बी अ डॉक्टर इफ यू आर अ गर्ल. आई थिंक दैट शुड बी रिटन ऑफ बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ. वी आर श्योर दैट वी विल रीच समवेयर हाई. Good job opportunities. You know, in this economic growth nowadays, unemployment is on the rise, and especially as we are MSc students, we are looking for job opportunities, and it's very less in the country, to be honest, especially in the field. We know biotechnology is a budding field, but if there were more opportunities for more people, if there were in every aspect, if there were more opportunities for youngsters, if there were more creative freedom in our country, that would be very helpful for the future generations. And we all know this is not, I mean, we are going into a much more brighter field. We are going into somewhere where technology and humanity kind of interlinks with each other. So we need more creative freedom, we need more opportunities, more and more opportunities. So I guess in the science and technology based wing, our country needs to expand more. You cannot blame the youth that you are going to Canada, you are going to USU, pursue your future. It's because that is a big issue. Brain drain is a very big issue. It's a very issue. I mean, we are coming from Kerala, and Kerala has one of the biggest brain drain all across the country. Like, students are going to UK, Canada, and the government is continuously asking the family, no, you should be content with what you have in the country. But what do we have in the country? It's actually, I mean, when we take according to the each people, the country is not providing much. That's what I told. It's not like an engineer and doctor is the only thing which we need in the world. We need different kinds of people. So we go to places where we are appreciated, where our work is appreciated. So I think that our country should be more focused on the youth, development of the youth, rather than trying to fill their pockets. You know, people still judge women on what they are wearing, what they are not wearing, how they are walking, and why she is at night, why she is out at this time. All of these things, I think people should grow up their mentality and start thinking on a broader mindset, right? I think thoda gender equality abhi zyada hona chahiye, because even in the jobs, there is no gender equality. Like, कुछ को ज़्यादा मिल जाती है जो डिज़र्व नहीं करते हैं, और जो डिज़र्व करते हैं उनको कभी कभी नहीं मिलती है. मैं गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा. ब्लेम तो हम सबको अपने पे करना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं है. मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उसका कोई अच्छा रेशियो नहीं है. 1000 बच्चे एक सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक क्रिएटिव थिंकिंग मिलनी चाहिए, उन्हें सरकार से नए बिजनेसेस के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए. तो मेरे हिसाब से आज़ादी यही है. आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गवर्नमेंट is at its brink. It is doing enough. What we can do is we can support each other, right? हर चीज़ में इंडिया सबसे आगे काम कर रहे हैं. आर्मी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, या फिर जेंडर इक्वालिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग. इंडिया शुड लीड इन दैट सेक्टर. ओके, सो वॉट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू? यू टेल अस इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, एंड डू फॉलो जागरण इंग्लिश फॉर मोर सच न्यूज एंड अपडेट्स.